अस्सलाम वालेकुम, एनके जायका में आपका स्वागत है। आइए आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन डोनट्स। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, मैंने 200 ग्राम के करीब जो है बोनलेस चिकन लिया है। यहाँ पर ही मैंने कुछ कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। 3 से 4 मैंने यहाँ पे है जो बारीक कटा हुआ हरी मिर्च ली है। साथ ही में आप देखेंगे 1 टेबल स्पून के करीब मैंने रेड चिली पाउडर लिया है। 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे जो है काली मिर्ची का पाउडर लिया है। 1 टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स, यहाँ पे मैंने जो लिया है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और ये है जो ज़ीरा भी मैं इसमें 1 टेबल स्पून डालूँगी। आप चाहे तो ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 जो है पोटैटोज़ को मैंने बॉईल करके उसको मैश कर लिया है। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर मैंने जो है लिया है ब्रेड, 2 ब्रेड ली है। साथ ही में एक जो है मैंने उसको अनियन को रफ कर लिया है, रफली चॉप कर लिया है। यहाँ पर मैंने आप देखेंगे मैदा 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून के करीब मैंने लिया है ऑयल, अंडा फेंटा हुआ और ब्रेड क्रम्स। तो आइए हम अपना जो है रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये सारे मसालों को मिला के इसका एक फाइन सा बेस्ट बैटर बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी ये चिकन यहाँ पे मैंने ऐड किया है। साथ ही में मैं यहाँ पर ये हरी कोथमीर सारे मसाले मैं यहाँ पर क्या कर देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे ये जो है ब्रेड, अनियन, मैदा, और मैं यहाँ पर ऐड करती हूँ ये ऑयल, और इन सबको मैं एक फाइन सा बैटर बना लेती हूँ, इनको मिक्सर कर लेती हूँ। ये आप देख सकते हैं ये हमारा जो बैटर है वो बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें जो है पोटैटो मैश किए हुए रखे थे हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। ये देख सकते हैं ये हमारा बैटर जो है अच्छी तरीके से जो है बनके तैयार हो गया है। आइए अब हम इसके डोनट का शेप देते हैं। तो सबसे पहले मैं हाथों में तेल को ग्रीस करती हूँ और फिर मैं यहाँ पर आप देखोगे किस प्रकार से उसको हम लोग फ्लैट कर लेते हैं। हमें ज़्यादा पतले नहीं बनाना है, कबाब का शेप नहीं देना है, थोड़ा उसको मोटा ही रहने देना है। और आप इसको इस टाइप से होल्ड करके ये ऐसे हम जो है पूरे जो बना के तैयार कर लेते हैं। सकते हैं मैंने सारे जो चिकन के बैटर था उसको मैंने ये डोनट का शेप दे दिया है। आइए अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अंडे में इसको हम क्या करते हैं डिप कर लेते हैं। ये मैंने फर्स्ट उसको अंडे में डिप कर लिया है। अंडे में मैंने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच के करीब मिल्क जो है वो ऐड कर लिया था, आप ये देख सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे जो है डोनट्स को डिप करके और ब्रेड क्रम्स में क्या कर लूँगी मिक्स करके रख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने सारे डोनट्स को अंडे में डीप करके ब्रेड क्रम्स में मिला के मैंने इस तरह से सारे डोनट्स बना लिए। आइए अब हम इसको क्या करते हैं फ्राई कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पहले से ही एक पैन में ऑयल गरम करके रखा था। अब एक एक करके हम जो है हमारे डोनट्स उसमें तेल में ऐड करेंगे। ये देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको क्या कर देती हूँ फ्लिप कर देती हूँ। ये देखिए ये वन साइड पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। इसी तरह से मैं सारे के सारे जो है डोनट्स को पलट लेते हैं और इनको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंने सारे के सारे जो ऑयल में डाल दिया है। अब मैं इसको एक साइड से 2 से 3 मिनट के लिए क्या कर देती हूँ ऐसे ही उसको बिना टच किए हम इसको रहने देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद में हम इसको क्या करेंगे पलट लेंगे, फ्लिप कर लेंगे।
ये आप देख सकते हैं जो सेकंड बैच में मैंने डोनट्स डाले थे वह भी क्या है बन के तैयार होते हैं, हो गए हैं। अब इन सबको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ये आप देखेंगे हमारे सारे डोनट्स बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये ऊपर से कितने क्रिस्पी और अंदर से देखिए आप एकदम सॉफ्ट से नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम गर्मा गर्म सॉस के साथ में या कोई भी डिप के साथ में से सर्व कर सकते हैं। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।